मुकुंद के ताड़गोले के बाग थे। वो ताड़गोले के पेड़ों पर चढ़कर ताड़गोले तोड़ता था और फिर इन ताड़गोलों को व्यापारी को बेचकर पैसे कमाता था। अरे भाई, अब तुम ताड़गोले ज्यादा दिया करो, बाजार में ताड़गोले की मांग बढ़ गई है। जी साहब, कल से ज्यादा ताड़गोले देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। मुकुंद और मयूरी की एक बेटी थी मीना। मीना कहाँ है? अभी यही थी, शायद अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई होगी। पर आपको उसे क्या काम आ गया? अरे उसे ताड़गोले खाने थे, तो देखो उसके लिए कुछ ताजे ताड़गोले लाया हूँ तोड़ के। तभी मीना, अरे वाह ताड़गोले, ये सब के सब मैं ही खाऊंगी। हाँ तेरे लिए ही लाया हूँ, आराम से खा। बरसात हो या गर्मी, मुकुंद हर मौसम में ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ता था। एक रोज की बात है, लगातार दो दिन से बारिश रुक ही नहीं रही थी। भगवान करे ये बारिश जल्द ही रुक जाए। आज पेड़ पर सावधानी से चढ़ना, सारे टाने गीले होंगे। हाँ सावधानी से ही चढ़ूंगा, मैं कोई नौसिखिया थोड़ी हूँ। पता है आप मस्ते हैं, पर फिर भी ख्याल रखना। हाँ पत्नी जी, अब फिक्र मत करो, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है। मुकुंद ताड़गोलों के पेड़ पर चढ़ गया और एक एक करके सावधानी से ताड़गोले तोड़ने लगा। कुछ देर बीत गया और फिर अचानक मीना वहाँ पहुँची। अप्पा! मीना की आवाज सुनकर मुकुंद का ध्यान भटक गया और वो फिसल कर सीधा पेड़ के नीचे गिर गया। ओ! मीना ने तुरंत कुछ गांव वालों को आवाज लगाई, सब दौड़े चले आए। काका, अब्बा गिर गए। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। मुकुंद का ऑपरेशन किया गया, पर अब वो अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? अब हमारा घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उस भगवान ने हमें दुख दिया है तो वो हमें रास्ता भी दिखाएंगे। पर कैसे, मैं अपाहिज बन गया हूँ, इससे अच्छा कि भगवान मुझे मार ही देता। ऐसा मत बोलिए, आप ही हमारी जिंदगी है। मयूरी और मुकुंद परेशान थे कि अब उनकी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। कुछ दिनों बाद मुकुंद को घर लाया गया। मयूरी और मुकुंद के बचत किए हुए सारे पैसे उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं कहीं काम ढूंढती हूँ। तुम काम और घर का काम अकेले कैसे संभालोगी? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कोई तो ऐसा काम होगा जो मैं इस हाल में भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए। नहीं मयूरी, मैं ऐसे तुम पर बोझ नहीं बन सकता। फिर ऐसी हालत में आप क्या कर सकते हैं? कुछ तो जरूर होगा ही। अगले दिन से मयूरी ने काम ढूंढना शुरू किया। वो कई दुकानों और कंपनियों में गई, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। मुझे कोई काम तो नहीं मिल रहा, सोच रही हूँ कोई व्यवसाय ही कर लूं। कैसा व्यवसाय? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? आज बाजार में पकोड़े का दुकान देखा था, काफी भीड़ लगी है। मैं भी तो अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं भी पकोड़े बेचूं? कर तो सकता हूँ, पर सभी लोगों को पकौड़े उसी दुकान के पसंद हैं, तो तुम्हें कुछ नया पकाकर पकौड़ा बनाना चाहिए। कैसे नए? जैसे चाइनीज पकौड़े हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वैसा ही कुछ नया। वैसा कुछ? मीना तू बता, तुझे और क्या खाना पसंद है? मुझे तो मैगी पसंद है। मैगी पकौड़ा कैसा है? मैगी के पकौड़े भी बनते हैं क्या? हाँ वो भी बहुत कुरकुरे। जा मीना, दौड़ के एक पैकेट मैगी ले आ। मीना मैगी खरीदने चली गई और कुछ देर बाद दो मैगी के पैकेट ले आई। मीना ने मैगी को उबाला और फिर उन्हें सुखा कर उसमें कुछ मसाले मिलाकर कढ़ाई में मैगी पकोड़े छानने लगी। मीना एक टक अपनी माँ के हाथों को देख रही थी। जैसे ही मैगी के पकोड़े छन कर बाहर आए, मीना ने फट से एक पकोड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। अरे अरे गरम है।
बहुत स्वादिष्ट है माँ। वाह! मीना ने एक मैगी पकोड़ा अपने पापा को भी दिया। ये तो सच में स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने कहा था ना कि बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। क्या ये मैगी पकोड़े बाजार में बिकेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आग लगा देंगे। मयूरी ये सुनकर खुश थी। कुछ दिनों बाद मयूरी और मुकुंद ने मिलकर बाजार में मैगी पकोड़े का स्टॉल लगा दिया। ये क्या है आंटी? मैगी पकोड़ा। मैगी के पकोड़े? हाँ। एक प्लेट दो मुझे। हाँ हाँ लो बेटा। मयूरी ने उस लड़की को मैगी पकोड़े दिए। वाह कितना टेस्टी है, आज तक ऐसे पकोड़े कहीं नहीं खाए। उस लड़की को देखकर कई और लोगों ने मयूरी के मैगी पकोड़े चखे। आंटी ये तो मस्त है। मुकुंद मैगी पकोड़े तलने में मयूरी की मदद कर रहा था। वो अपाहिज था। पहले ही दिन मयूरी और मुकुंद की अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो लोग खुशी खुशी घर लौटे। सोचा नहीं था कि हमारी इतनी अच्छी कमाई होगी। इन दुखों के पल में यही एक सुख का पल है। अप्पा आप चिंता मत कीजिए, हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। पूरे परिवार में उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी थी। सब मिलकर और मेहनत से कोशिश करने लगे। उनका मैगी पकोड़े का व्यापार भी चल पड़ा था। ग्राहकों की भीड़ लगने लगी और साथ ही उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। मैगी पकोड़े जल्द ही मशहूर हो गए। उनकी आमदनी इतनी बढ़ गई कि मुकुंद का अच्छा से अच्छा इलाज शुरू हो गया। इस ट्रीटमेंट से उम्मीद है मुकुंद जी आप चल पाएंगे। कुछ सेट ऑफ सर्जरीज करनी होंगी, पर आपकी बॉडी इस ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। ये खबर भी पूरे परिवार के लिए अच्छी थी। 6 महीने बाद आज मयूरी ने मैगी पकोड़े का बड़ा शॉप खोला और इस खुशी को दुगना मुकुंद ने किया। आज कुछ पलों के लिए ही सही वो डगमगा कर खड़ा हुआ। ये आशा की वो किरण है जो बताती है कि मुकुंद बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और ये सब इनके एक मैगी पकोड़े की बदौलत हुआ है। और आगे भी ये मैगी पकोड़ा धूम मचाता रहेगा।